अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम फ़िश लगे हैं बनाने, फ़िश करी। ये हमारे पास फ़िश है 2.5 किलो, ये टमाटर हैं 3 अदद, इसमें 1 चम्मच मिर्च डाली है मैंने, 1/4 चम्मच हल्दी का है, 1/2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच पिसा गरम मसाला है, 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। चलें शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने हसबे ज़रूरत आई डी है, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना में डाला है, इसे अच्छी तरह कड़कड़ा लेना है। इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है मेथी दाने से और फिश करी बहुत मज़ेदार बनती है। मेथी दाना हमारा अच्छा सा कड़क गया, अब इसमें हम लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट शामिल करते हैं। ये मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी और 15-16 जवे लहसुन के लिए थे, कोई 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है, बिल्कुल इसे गोल्डन करना है, इसका कलर चेंज करना है। अब इसको टाइम लगेगा फ्राई होने में, इसे गोल्डन करना है बिल्कुल हमने। ये देखें जी, हमारा मसाला तैयार है, लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया और बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आपको मैं खुशबू की स्मेल तो महसूस नहीं करवा सकती, मजबूरी है, लेकिन ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम टमाटर, नमक, मिर्च वगैरह मसाले शामिल करते हैं और इनको भी अच्छा सा हमने भून लेना है, उस वक्त तक भूनना है टमाटर अच्छी तरह गल जाए। इसे हम 4-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। इसे कवर कर देते हैं ढक्कन से। हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, काश आप महसूस कर सकते हैं। मेथी दाने की वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी इसे एक बार इस तरह ज़रूर ट्राई करें, आप सब फिश भूल जाएंगे बनाना, अपने तरीके वाली भूल जाएंगे। इसमें हम फिश शामिल कर रहे हैं, मैंने फ़िश को भी मसाला लगाया था ओवरनाइट, तो ज़रा अच्छा सा बन जाता है सालन। आपकी मर्जी है, आप
इसमें मसाला पहले लगाना चाहें लगा सकते हैं, या आप जब सालन तैयार करते हैं उसी वक्त मसाले शामिल करें। मैंने इसमें पहले लगा लिया था। अब इसको हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, फिर इसको हिलाएंगे जलाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। आप भी लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बनाकर फिर फिश बनाया करें। इसको हमने थोड़ा सा हिला जुला लिया है, ज़्यादा हिलाने से भी ये टूट जाती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं कि रोटी भी आसानी से खाई जा सके। बहुत जल्दी बन जाती है ये, बस इसे हम 5 मिनट के लिए रखेंगे। इसे अब हम कवर कर देते हैं, 5 मिनट बाद चेक करेंगे। हम अपनी फिश चेक करते हैं कि माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी तैयार हो गई है फिश करी। आप सादे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, हम रोटी के साथ खाएंगे। जुमेरात को हम इस सारे सवाब के लिए दुआ करते हैं मरहूम जो हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं, खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत करे। मीठे में आज हमने सेवइयाँ बनाई हैं। मैं डिश आउट करती हूँ फिर आपको चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारी फ़िश करी तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना।